तो मध्य प्रदेश में फिर से उपचुनाव की तैयारी है। अमरवाड़ा के बाद बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होंगे। बुधनी और विजयपुर में चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होगा। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है और विजयपुर सीट से कैबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत ने भी इस्तीफा दिया है। दोनों सीट पर जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और 2 महीने में ही उपचुनाव हो सकते हैं। सागर की बीना सीट को लेकर अभी असमंजस है। कांग्रेस के विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन विधानसभा से अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की और भी ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होंगे। इनमें शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से चुनाव लड़ा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने विदिशा से चुनाव लड़ा, वो जीत गए, सांसद बन गए, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। विजयपुर सीट में भी उपचुनाव हो सकते हैं, क्योंकि विजयपुर सीट की अगर बात करें तो यहां से कैबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। एक और सीट जिस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उस सीट को लेकर भी चर्चा है, सागर की बीना सीट। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश की 3 और सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होने की संभावना है, इन 3 में से 2 सीट तो कंफर्म है लेकिन 1 सागर की बीना अभी भी असमंजस। जी देखिए, बिल्कुल, मध्य प्रदेश अभी लोकसभा चुनाव से मुक्त हुआ है और अब निश्चित ही उपचुनाव शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आज अमरवाड़ा में चुनाव चल रहा है, वहां पर आज वोटिंग हो रही। उसके अलावा आज ही कल भी विधानसभा में ने रिक्त सीट जो घोषित की है वो विजयपुर है। जो रामनिवास रावत कांग्रेस से बीजेपी में आए थे वो अब कैबिनेट मंत्री बनाए जा चुके हैं, उनके इस्तीफे के बाद उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इसी तरह के शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़े थे, वो केंद्र में मंत्री बनाए जा चुके हैं। तो बुधनी और विजयपुर का चुनाव तय हो चुका है, अब केवल इनकी तारीख आना है, निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होना है। जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित होगी तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1.5 महीने के अंदर इन दोनों विधानसभा में उपचुनाव हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के समय निर्मला सप्रे आ गई थी बीजेपी में, उन्होंने अभी सागर की बीना सीट से अपनी विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। वो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता उन्हें जब कहेंगे तब वो इस्तीफा देंगी। उसके बाद बीना में भी उपचुनाव होना तय है। हालांकि अब लगभग तस्वीर ये मानी जा रही है कि बुधनी और जो विजयपुर का चुनाव है वो 1 ही तारीख को होगा और उसकी तैयारियां निर्वाचन आयोग जल्द ही करके और तारीख घोषित कर देगा। इसी तरह बीना का चुनाव बाकी उपचुनाव की तारीख घोषणा जब होगी, जब वो इस्तीफा देंगे, रिसीट रिक्त किस्त होगी। हालांकि समय अगर ज्यादा होगा तो 3 सीट पर भी एक साथ उपचुनाव हो सकता है। अब ये देखना होगा कि तारीख का ऐलान कब होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी फिलहाल इंतजार करना होगा कि तारीखों का ऐलान कब होगा। हालांकि 3 सीटें ऐसी जहां पर चुनाव